हेलो नमस्ते स्टूडेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आपका निम्बस आई एस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जैसे कि आपको पता है कि निम्बस आई एस के द्वारा यूपीएससी प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करने के लिए एक सीरीज लॉन्च की गई थी जिसमें हम 2014 से 2023 तक जो प्रिलिम के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सब्जेक्ट वाइज एंड ईयर वाइज डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में हमने 2014 में जो पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको डिस्कस किया था आज की इस वीडियो में 2015 में जो पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज तो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है तो यहाँ पे एक्चुअली पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर के बारे में क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के बेसिक फीचर क्या होते हैं तो चार ऑप्शन हमारे पास है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है रिलेटेड टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम तो नंबर वन ऑप्शन है लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल तो क्या जो लोअर हाउस है उसको अगर जनता डायरेक्टली इलेक्ट करती है तो क्या उसको हम पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं नंबर टू पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर रखता है तो क्या यह बेसिक फीचर है पार्लियामेंट्री सिस्टम का नंबर थ्री राज्यसभा कैनॉट बी डिजोल्व जो अपर हाउस है अगर इसको आप डिजोल्व नहीं कर सकते ये परमानेंट है तो क्या ये पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा नंबर फोर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब जो एग्जीक्यूटिव है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा मतलब एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर सिंपल मतलब क्या है कि लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एक साथ निकाल सकती है और इन चारों में से कुछ ऐसा नहीं है कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं होगा या ये नहीं होगा या ये नहीं होगा आपने देखना है कि चारों में से मोस्ट सुटेबल आपके पास ऑप्शन कौन सी है तो वो कौन सी है द ऑप्शन डी ये एक बेसिक फीचर है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर इन केस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम राइट इसको आपने याद रखना है तो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा डी सेकेंड क्वेश्चन देखो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डीपीएसपी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो पार्ट फोर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि डीपीएसपी क्या होते हैं उसके बारे में दो स्टेटमेंट्स हैं। नंबर वन स्टेटमेंट क्या बोल रही है प्रिंसिपल स्पेल आउट दोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन दंट्री जो डीपीएसपी ये सोशियो एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रोमोट करते हैं ये फंडामेंटल राइट पोलिटिकल डेमोक्रेसी को डीपीएसपी सोशियो एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रोमोट करते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट हो जाएगी सेकेंड देखो द प्रोविजन कंटेन्ड इन दीज प्रिंसिपल आर नॉट एनफोर्सिबल आर नॉट एनफोर्सिबल बाय द कोर्ट तो ये जो डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स हैं इसको किसी कोर्ट के द्वारा एनफोर्स नहीं किया जा सकता जैसे कि कोर्ट के द्वारा फंडामेंटल राइट right को एनफोर्स किया जाता है तो मतलब क्या है डीपीएसपीबल ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है डीपीएसपी को कोई भी जो कोर्ट है वो लागू नहीं करवा सकती है जैसे कि फंडामेंटल राइट्स को कोर्ट के द्वारा एनफोर्स करवाया जाता है राइट right? तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है तो आंसर क्या हो जाएगा बोथ वन एंड टू आर करेक्ट बड़े बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं नेक्स्ट देखो द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनश्राइन्ड इन इट्स जो वेलफेयर स्टेट बनाना है इंडिया को इसको कौन से पार्ट के अंदर या कौन से पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है क्या वो प्रीएम्बल है या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है या फिर फंडामेंटल राइट right है या फिर सेवंथ शेड्यूल है तो बड़ा क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आप इंडिया को एक वेलफेयर कंट्री बनाना चाहते हो वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हो तो यहां की सरकार को डीपीएसपी में जो आपके पास कुछ सिद्धांत दिए गए हैं उसको फॉलो करना चाहिए राइट तो यहां पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में हमारे पास आर्टिकल नंबर थर्टी सिक्स से लेके फिफ्टी वन तक आते हैं आर्टिकल थर्टी सिक्स तो हमें बताता है कि स्टेट क्या होता है आर्टिकल थर्टी सेवन जो है ये बताता है हालांकि आप बोल सकते हो कि स्टेट के ऊपर कोई बंदिश नहीं है कि आपने डीपीएसपी को फॉलो करना है लेकिन ये सुझाव दिया गया है कि फॉलो करना चाहिए क्योंकि इससे आप इंडिया को एक वेलफेयर कंट्री बना सकते हो राइट तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कंसिडर दिन स्टेटमेंट हमारे पास दी गई है राज्यसभा मनी बिल को ना तो रिजेक्ट करने की पावर है और ना ही अमेंड करने की पावर है ये बिल्कुल सही है क्योंकि मनी बिल के रिलेटेड जो पावर है वो खास तौर पे किसके पास रहती है लोकसभा के पास राज्यसभा मनी बिल को पास करती है रिजेक्ट नहीं कर सकती अमेंड नहीं कर सकती चौदह दिन का टाइम इनके पास होता है पास करने के लिए अगर चौदह दिन के अंदर राज्यसभा में इसको पास नहीं किया जाता है तो ऑटोमेटिकली मनी बिल जो है वो पास हो जाएगा तो मतलब यहां पे, खास खासतौर पे लोकसभा अगर मनी बिल को पास करती है तो राज्यसभा उसको रोक नहीं सकती है राइट सेकंड स्टेटमेंट देखो द राज्यसभा नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स तो जब हमारे यहाँ पे बजट रखा जाता है तो उसमें जो अप्रोक्सीमेशन होते हैं कि कितनी कितनी आ, कितना कितना पैसा कौन सी मिनिस्ट्री को चाहिए है ना तो उसको बोला जाता है डिमांड फॉर ग्रांट यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल जा, आ जाता है one, one, three. तो डिमांड फॉर ग्रांट में राज्यसभा जो है ये वोट नहीं करता है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा वोट करता है तो यहाँ पे बोला है कि राज्यसभा कैन नॉट वोट तो मतलब स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा थर्ड स्टेटमेंट द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब आर्टिकल 112 जिसको सिंपल भाषा में हम जानते हैं बजट के नाम से सो so, जो बजट है क्या इसको राज्यसभा डिस्कस नहीं कर सकता तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि जो बजट है इसको पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस किया जाएगा और पार्लियामेंट में लोकसभा भी है राज्यसभा भी है तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है सो so, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 एंड 2 आर करेक्ट तो आंसर हमारा हो जाएगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ द पंचायती राज, पे, पंचायती राज, so, पंचायती राज जो पंचायत है इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया बाय सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट ऑफ 1992 टू और आज जो हमारा शेड्यूल नंबर 11 है एंड पार्ट नंबर नाइन जो है उसके अंदर हम पंचायती राज के बारे में लिखा हुआ पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव है नंबर पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट जो 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 जनता है, जो आम जनता है, है, आम लेवल पे बैठी हुई है उनकी पार्टिसिपेशन करवाना डेवलपमेंट के अंदर जैसे आज सरकार कई सारी स्कीम्स लेके आती है फॉर एग्जाम्पल मनरेगा स्कीम उसको इंप्लीमेंट करवाने में ग्रास रूट लेवल पे कौन बैठा हुआ है ग्राम पंचायत नंबर टू अकाउंटेबिलिटी क्या पंचायत किसी तरीके की अकाउंटेबिलिटी जो है ये ये करती है है बिल्कुल भी नहीं नहीं पंचायत का काम नहीं है। Number three, democratic democracy को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाना दिस वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ये भी सही हो जाएगा फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन मतलब जो फाइनेंस है उसको नीचे तक पहुंचाना देखो फाइनेंशियल पावर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बहुत ज्यादा लिमिटेड है खास तौर पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन तो मतलब ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा वन एंड थ्री ओनली दीज आर ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हेन अ बिल इज रेफर टू ज्वाइंट सिटिंग बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हैजू बी पास बाय अगर किसी बिल को प्रेसिडेंट के द्वारा ज्वाइंट सिटिंग में रखवा दिया जाता है मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन एक साथ बैठ के उस बिल को पास करेंगे सो so, उस टाइम पे जब लोकसभा राज्यसभा एक साथ बैठ के उसको पास करेंगे तो वहां पर कौन सी मेजोरिटी के साथ वो बिल पास किया जाएगा तो चार ऑप्शन है नंबर वन अंपल मेजोरिटी ऑफ मेंोटिंग जितने में प्रेजेंट है प्लस वोट कर रहे हैं उनकी मेजोरिटी देख लो नंबर टू थ्री फोर्थ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग जो प्रेजेंट हैं वोट भी कर रहे हैं टोटल मेंबर्स उनका थ्री बाई फोर होना चाहिए मतलब नंबर है ऑफ द हाउस जो दोनों हमारे हाउसेज हैं या फिर लोकसभा की टू थर्ड मेजोरिटी राज्यसभा की टू थर्ड मेजोरिटी टोटल जितना बनेगा वो चौथा है एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ द हाउस एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब क्या है टोटल जो स्ट्रेंथ है उसकी मेजोरिटी तो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंपल मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी के साथ बिल पास किया जाता है जो बिल ज्वाइंट सिटिंग के अंदर रखा गया है राइट right? और जब हम ज्वाइंट सिटिंग की बात करते हैं तो यहां पे प्रेसिडेंट की पावर्स के साथ भी ये रिलेटेड है क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग करवाना इज इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राइट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं टू अपोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरिटी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन दो सोवरिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है ये बात कहां पर लिखी गई है नंबर वन इज प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखो प्रियम्बल में सोवरनिटी यूनिटी इंटेग्रिटी शब्द मैंशन है लेकिन ये नहीं बोला गया कि उसको प्रोटेक्ट करना है नंबर टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नंबर थ्री फंडामेंटल राइट्स नंबर फोर फंडामेंटल ड्यूटीज सो फंडामेंटल ड्यूटीज को जब हम पढ़ते हैं उसमें हमारे पास एक फंडामेंटल ड्यूटी आती है जो बात करता है कि देश की सोवरिटी यूनिटी इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना इज ऑल्सो अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द इंडियन सिटीजन और फंडामेंटल ड्यूटी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा पार्ट फोर ए के अंदर जहां पे ए की आर्टिकल है फिफ्टी वन ए जिसके अंदर प्रेजेंटली हमारे पास टोटल इलेवन फंडामेंटल ड्यूटीज है और इसके रिलेटेड एक कमेटी है आपके पास दैट इज स्वर्ण सिंह कमेटी इस स्वर्ण सिंह कमेटी को आपने याद रखना है इस कमेटी के द्वारा ही रेकमेंड करके सबसे पहली बार दस फंडामेंटल ड्यूटीज को 1976 के अंदर ऐड करवाया गया बाय द फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट लेटर ऑन 2002 में एक और अमेंडमेंट होती है 86th अमेंडमेंट उससे एक फंडामेंटल ड्यूटी और ऐड की जाती है और प्रेजेंटली आज, आज आपके पास टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है राइट right? तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा डी दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नंबर 1 है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर क्या ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यह बात लिखी गई है कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने लास्ट जो वीडियो हमारी थी 2014 के क्वेश्चंस वाली उसमें भी आपको बताया था कि संविधान के अंदर जो एग्जीक्यूटिव हेड बनाया गया है यूनियन एग्जीक्यूटिव हेड वो कौन है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इन नंबर टू प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड क्या सिविल सर्विसेज बोर्ड के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो यह भी बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि सिविल सर्विसेज बोर्ड के चेयरमैन होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी राइट तो यहां पे प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा कैबिनेट सेक्रेटरी आएगा तो यह स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाएगी तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा नाइदर वन नॉर टू दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नंबर वन द लेजिस्लेटिव काउंसिल जो विधान परिषद है द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट वो बोलना चाह रहे हैं कि किसी स्टेट में आपके पास विधान परिषद है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उस स्टेट की विधानसभा के 50% से ज्यादा हो सकती है हमारे पास प्रोविजन क्या है कि लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल जितनी स्ट्रेंथ होगी उसका मैक्सिमम तेतीस परसेंट स्ट्रेंथ हो सकती है किसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल की सो so, मान लो अगर किसी स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल सीट्स है हंड्रेड तो वहां पे अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनता है उसकी मैक्सिमम सीट्स कितनी हो जाएंगी ओनली थर्टी थ्री सीट्स और वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बन नहीं पाएगा क्योंकि यहां पे कंडीशन क्या है कम से कम 40 सीट्स तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में होनी ही चाहिए तो मैक्सिमम लिमिट इज 33 परसेंट ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी क्योंकि ये बोल रहे हैं कि फिफ्टी से ज्यादा भी हो सकता है नेक्स्ट द गवर्नर ऑफ द स्टेट नॉमिनेट द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ पर्टिकुलर स्टेट सो काउंसिल में राज्यसभा की तरह ही आपको लेजिस्लेटिव so, काउंसिल के, तो के जो मेंबर होंगे वो अपने में से वोटिंग के बाद अपना चेयरमैन जो है उसको चुनेंगे तो मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है तो आंसर क्या हो जाएगा नाइदर वन नॉर टू दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोविजन इन द फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल किसके बारे में बात करते हैं देखो पिछली बार भी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया कि एंटी डिफेक्शन जो है ये कहां पे लिखा गया है दैट इज इन शेड्यूल फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल किसके बारे में बात करते हैं नंबर वन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स नंबर टू डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन द स्टेट्स नंबर थ्री डिटरमिन द पावर्स अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पंचायत नंबर फोर प्रोटेक्ट द इंटरस्ट ऑफ ऑल द बॉर्डर स्टेट्स तो यहां पे करेक्ट क्या हो जाएगा प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब सो शेड्यूल नंबर फाइव शेड्यूल नंबर सिक्स ये बात करते हैं कि शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से की जाए जो कि उनके इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन की जा सके आप बोल सकते हो राइट उनके जो बेसिक अधिकार है उनको एनफोर्स किया जा सके नेक्स्ट क्वेश्चन है हु और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब संविधान की सुरक्षा करना संविधान को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करवाना ये एट द एंड किसकी जिम्मेदारी है नंबर वन इज प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया नंबर टू इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नंबर थ्री इज लोकसभा सेक्रेटेरिएट नंबर फोर इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट जब भी कॉन्स्टिट्यूशन का हनन होता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हनन वाला केस कहां पे जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर खासतौर हाई कोर्ट में भी जा सकता है खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर राइट right? क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सो यूनियन गवर्नमेंट के रिलेटेड हमारे पास तीन स्टेटमेंट दी गई है नंबर वन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट दैट इज प्रिजेंटेड टू द पार्लियामेंट सो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के द्वारा क्या बजट को बनाया जाता है तो यहां पर यह गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है विद इन द फाइनानस मिनिस्ट्री जिनके द्वारा क्या है बजट प्रिपेयर किया जाता है सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट नंबर टू नो अमाउंट कैन बी विद्रॉन फ्रॉम द कंसॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल टू सिक्स कंसॉलिडेटेड फंड से पैसा निकालना है तो परमिशन किसकी चाहिए खासतौर पर पार्लियामेंट की बिल्कुल सही है नंबर थ्री ऑल द डिसबर्समेंट मेड फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट अगेन आर्टिकल टू सिक्सटी सिक्स क्लॉज टू नीड द ऑथोराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ये गलत हो जाएगा पब्लिक अकाउंट से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट की परमिशन नहीं चाहिए इट इज इन द हैंड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी पहली जो हमारी स्टेटमेंट है वो गलत है थर्ड भी गलत है तो करेक्ट कौन सी है ओनली टू स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी सी इज द करेक्ट आंसर लास्ट क्वेश्चन जो है उसको देखो थर्टीन क्वेश्चन पूछे गए दो हजार पंद्रह में इंडिया इज अ मेंबर ऑफ अमंग द फॉलोइंग तीन आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस है इंस्टीट्यूशंस है इंडिया इसमें से किसका मेंबर है नंबर वन एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका मेंबर इंडिया नहीं है इसमें खास तौर पे आपको पैसिफिक रिम की जो कंट्रीज हैं जो पैसिफिक ओशन के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं वो मेंबर देखने को मिलेंगे नंबर टू एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जिसको हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन एशियान जिसमें साउथ ईस्ट एशिया की दस कंट्रीज आती हैं जिसमें इंडिया नहीं है इंडिया इज इन साउथ एशिया नॉट साउथ ईस्ट एशिया तो इसमें भी मेंबर नहीं है तीसरा है ईस्ट एशिया समिट इसका फाउंडर है इंडिया दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया वॉज वन अमंग द फाउंडर्स ऑफ ईस्ट एशिया समिट तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओनली थ्री तो हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन इज बी ओनली थ्री जो स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट इंडिया इज ओनली मेंबर ऑफ ईस्ट एशिया समिट अमंग थ्री ऑर्गेनाइजेशन राइट सो दीज व क्वेश्चन जो दो के अंदर पॉलिटी वाले सेक्शन से पूछे गए हैं इसी तरीके से आगे भी वीडियोज अपलोड होंगी सो so, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब द चैनल और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है डू लाइक इट एंड शेयर इट थैंक यू सो मच बेस्ट विशेज फॉर योर एग्जाम